और मैं जन्म मरण के चक्कर में पड़कर मृत्यु को प्राप्त करती रहती हूँ। हे मेरे मालिक, तू अगम्य एवं अतुलनीय है। मैं प्रार्थना कर करके तेरे द्वार पर गिर पड़ी हूँ। मैं तुझसे और क्या मांगूं, मैं तुझे और क्या कहूं कि तू मेरी प्रार्थना सुन ले, क्योंकि मुझे तो तेरे दर्शन की ही भूख एवं प्यास है। परमात्मा ने नानक की सच्ची प्रार्थना स्वीकार कर ली है और उसने गुरु के शब्द द्वारा अपना मालिक प्रभु पा लिया है। सूही महला पांच, गुणवंती जो दिस से गुर सिखड़ा, तिस निब निब लागौं पाई, जो आँखा बिरथा जिये की, गुर सज्जन देह मिलाई। जीव सोई दस उपदेशड़ा, मेरा मन अनंत ना काहू जाई। जीव एह मन ते कु डेवसा, मैं मार्ग देह बताई। जीव हौ आया दूरह चल के, मैं तकी तौ शरणाई। जीव मैं आशा रखी चित महा, मेरा सभो दुख गवाई। जीव इत मार्ग चले भाईड़े, गुर कहे सहकार कमाई। जीव त्यागे मन की मतड़ी, बिसारे दूजा भाव। जीव यू पाव हर दर सावड़ा, नह लगे तत्ती बाऊ। जीव हौ पाव बोल न जानदा, मैं कहया सब हुकमाऊ। जीव हर भक्त खजाना बख्सिया, गुरु नानक किया पसाऊ। जीव मैं बहुड़ न तृष्णा भुखड़ी, हौ रजा तृपत अघाई। जीव जो गुर दिसे सिखड़ा, तिस निब निब लागौं पाई। जीव जो भी गुरु का शिष्य दिखाई देता है, मैं झुक झुक कर उसके चरणों में पड़ता हूँ। मैं उसे अपने मन की व्यथा बताता हूँ और उसे निवेदन करता हूँ कि वह मुझे मेरे सज्जन गुरु से मिला दे। मुझे वह उपदेश बताओ जिससे मेरा मन कहीं और मत भटके। मैं अपना यह मन तुझे दे दूंगा, मुझे प्रभु मिलन का मार्ग बता दो। मैं बहुत दूर से चलकर तेरे पास आया हूँ और मैंने तेरी ही शरण देखी है। मैंने अपने चित में यह आशा रखी हुई है कि तू मेरा सारा दुख दूर कर देगा। हे भाई, यदि तू इस मार्ग पर चले तो गुरु कहे वह कार्य करे। अपने मन की मति त्याग दे और द्वैत भाव को भुला दे, तो इस तरह तू हरि का दर्शन पा लेगा और तुझे कोई दुख नहीं लगेगा। मैं स्वयं तो कुछ भी बोलना नहीं जानता, मैंने तो सब कुछ परमात्मा जी के हुक्म से ही कहा है। गुरु नानक जी ने मुझ पर बड़ी कृपा की है और मुझे हरि की भक्ति का खजाना प्रदान कर दिया है। अब मैं बिल्कुल तृप्त हो गया हूँ और मुझे दोबारा माया की तृष्णा एवं भूख नहीं लगती। जो भी गुरु का शिष्य नजर आता है, मैं झुक झुक कर उसके चरणों में पड़ता हूँ। राग सूही छंत महला पहला, घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, भर जोवन मैं मत पेयड़े, घर पहुनी बलराम जीव। मैली अवगण चित बिन, गुर गुण न समावणी। बलराम जीव गुण सार न जानी, भरम भुलाणी। जोवन वाद गवाया, बर घर दर दर्शन नहीं, जाता पीर का सहज न भाया। सतगुर पूछ न मार्ग चाली, सुती रैन बिहानी। नानक बालतन रांडेपा, बिन पीर धन कुमलाणी। बाबा मैं बर देह, मैं हर बर भावे, तिसकी बलराम जीव। रब रहया जुग चार, त्रिभवन बाणी जिसकी बलराम जीव। त्रिभवन कंत रवे, सुहागण अवगण वंती दूरे। जैसी आशा तैसी मनसा, पूर रहया भरपूरे। हर की नार से सर्व सुहागण, रांड न मेले बेसे। नानक मैं वर साचा भावे, जुग जुग प्रीतम तेसे।
बाबा लगन गड़ाई। हम भी बंझा सहूरे बलराम जीव, साहा हुक्म रजाई। सोना टड़े जो प्रभ करे बलराम जीव, कीर्त पाया करते कर पाया मेट न सके कोई। जांझी नाऊ नर है निह केवल, रब रहया तेह लोई। माई निराशी रोई बिछूनी, बाली बड़े हेते। नानक साच शब्द सुख महली, गुर चरणी प्रभ चेते। बाबुल दितड़ी दूर न आवे, घर पे ये बलराम जीव। रहसी वेख हदूर पीर रावी, घर सोहिये बलराम जीव। साचे पीर लोड़ी प्रीतम, जोड़ी मत पूरी प्रधाने। संजोगी मेला थान सुहेला, गुणवंती गुर ज्ञाने। संत संतोख सदा सच पल्ले, सच बोले पीर भाई। नानक बिछुड़ ना दुख पाए, गुरमत अंक समाए। जीव स्त्री अपनी भरपूर जवानी में इस तरह रहती है, जैसे वह मदिरा पान करके मदहोश हो गई है। वह यह नहीं जानती कि वह अपने पिहर अर्थात इह लोक में एक अतिथि है। वह अपने अवगुणों से अपने चित्त में मैली रहती है। गुरु के बिना उसके हृदय में गुण नहीं बसते। उसने गुणों की कदर नहीं जानी और वह ब्रह्म संशय में ही भूली हुई है। उसने अपना यौवन व्यर्थ ही गवा लिया है, ना ही उसने अपने वर पति प्रभु को जाना, ना ही उसका घर द्वार देखा और ना ही उसका दर्शन किया है। उसे अपने प्रभु का सहज सुख नहीं भाया। वह अपने सतगुरु से पूछकर प्रभु के मार्ग पर नहीं चली। वह तो अज्ञानता की निद्रा में ही सोई रही और उसकी जीवन रूपी रात्रि बीत गई है। हे नानक, यूं समझ लो कि वह तो बाल्य अवस्था में ही विधवा हो गई है और अपने पति प्रभु के बिना वह मुरझा गई है। हे बाबा, मुझे मेरे पति प्रभु से मिला दो। मुझे अपना वर हरि बहुत भाता है, मैं तो उस पर ही कुर्बान हूँ। वह चारों युगों में ही जगत में बसा हुआ है, जिसकी वाणी तीनों लोकों आकाश पताल एवं धरती में पड़ी सुनी एवं गाई जाती है। तीनों लोकों का मालिक परमात्मा सुहागिन जीव स्त्रियों से रमण करता है, लेकिन वह अब गुणों वाली जीव स्त्रियों से दूर रहता है। जैसी किसी जीव स्त्री की अभिलाषा होती है, सर्वव्यापक परमात्मा जी उसकी वही अभिलाषा पूरी कर देते हैं। जो जीव स्त्री हरि की पत्नी बन जाती है, वह सदा ही सुहागिन रहती है। वह ना कभी विधवा होती है और ना ही उसका भेष मैला होता है। हे नानक, मुझे सच्चा प्रभु बहुत भाता है, मेरा प्रियतम युग युग में एक जैसा ही रहता है। हे बाबा, मेरे विवाह का लगन निकलवा लो, ताकि विवाह करवा कर मैं भी अपने ससुराल में जाऊं। प्रभु अपनी रजा अनुसार जो हुक्म करता है, वही विवाह का लगन होता है। उसका हुक्म कभी टल नहीं सकता, जो भाग्य में लिखा पड़ा है और जिसे करतार जी ने स्वयं लिख दिया है, उसे कोई टाल नहीं सकता। जो प्रभु तीनों लोकों में बसा हुआ है और जो सबसे निष्पक्ष है, वह स्वयं अपना वर नाम रखवाकर मुझसे विवाह करवाने आया है। परमात्मा रूपी दूल्हे से जीव स्त्री दुल्हन के प्रेम को देखकर मां रूपी माया निराश होकर रोती हुई दुल्हन से बिछुड़ गई है। हे नानक, जीव स्त्री गुरु के चरणों में लगकर प्रभु को याद करती रहती है और सच्चे शब्द द्वारा अपने प्रभु के महल में सुख भोगती रहती है।